बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल omja.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं निराकार रुद्राक्ष के बारे में, अन्नमुखी भी कहते हैं। ये गोलाकार शेप है, निराकार को इस इक्वल टू कहीं ना कहीं एक मुखी के करीब माना जाता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके ऊपर कोई मुख नहीं है, मतलब दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, ऐसा कुछ भी कंप्लीट लाइन नहीं होता, क्योंकि जब तक कंप्लीट लाइन नहीं हो तब तक मुख कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये हम आपको बताएंगे। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। निराकार रुद्राक्ष या फेसलेस रुद्राक्ष कह लीजिए, क्योंकि इसमें कोई कंप्लीट लाइन नहीं है इसलिए फेसलेस है। अन्य रुद्राक्ष के विपरीत इसमें कोई चेहरा या मुख नहीं होता है, इसीलिए इसे फेसलेस रुद्राक्ष या निराकार रुद्राक्ष कहते हैं। जब कोई इसे पहनता है तो ऑटोमेटिक उसे लगता है कि जैसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी वो धारण किए घूम रहा है, कुछ करिश्मा हो रहा है, टेंशन फ्री रहते हैं लोग इसे धारण करने के बाद, चिंताओं से मुक्त रहते हैं। वे जीवन में धन और संबंधों के मुद्दे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहती है, सब कुछ स्मूथ चलता है। और ये सभी रूप से समान रूप से उपयोगी है सभी के लिए, चाहे वो स्त्री हो, महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बूस्टअप करेगा। आपको जो चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, हम सबको बेसिक जिंदगी में यही चाहिए ना, तो ये इन सारी चीजों की तरफ हम ऑटोमेटिक अग्रसर होते चले जाते हैं। ये इसकी पॉजिटिव ऊर्जा का ही कमाल है। नकारात्मक शक्तियां हमारे पास जल्दी नहीं आती है। और आपकी जो सोच है वो भी पूरी की पूरी पॉजिटिव होती चली जाएगी। नकारात्मक सोच वाले लोग भी आपके पास जल्दी नहीं आएंगे। जिनके सूर्य ग्रह कमजोर हैं उन्हें भी ये निराकार रुद्राक्ष या अन्नमुखी रुद्राक्ष या फेसलेस रुद्राक्ष जो भी आप कहें वो धारण कर सकते हैं। जीवन में शांति और स्थिरता लाती है, धन, बुद्धि, सफलता, लक्ष्मी, विद्या, हर चीज की प्राप्ति आप कर सकते हैं। उसकी तरफ हम ऑटोमेटिक अग्रसर होते हैं यदि आप ये रुद्राक्ष पहनते हैं। तो ये बेनिफिट निराकार रुद्राक्ष का बताया गया है, ये नेपाल का है, इसलिए इसका जो बेनिफिट है वो अन्य रुद्राक्ष की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब इसे धारण करने की विधि और इसका मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, रुद्राक्ष इसे आप सोमवार को पहनेंगे और पहनने से पूर्व यदि आप 24 घंटे 48 घंटे के लिए यदि आप सरसों के तेल में डुबा देते हैं तो इसमें और मजबूती भी आती है। और हर 3-4 महीने बाद पहनने के बाद भी आप इसे सरसों के तेल में डुबा दिया कीजिए, अच्छा रहेगा, कलर भी निखर जाता है इसका। वैसे तो आप जब इसे पहनेंगे तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता ही जाता है, डार्क होता चला जाएगा ये। तो जिस दिन आप पहनेंगे सोमवार की सुबह, उस दिन आप सबसे पहले इसका अभिषेक कीजिए। दूध, दही, गंगा जल, शहद, शक्कर वगैरह डाल के पंचामृत से अभिषेक करना आपको, घी वगैरह डाल के। उसके बाद गंगा जल से शुद्ध करके इसको तांबे या पीतल के प्लेट में रखिए, एल्युमिनियम या स्टील का प्लेट मत यूज़ कीजिएगा, शुद्ध माना जाता है। उसके बाद धूप बत्ती दिखाइए, कपूर की आरती दिखाइए, उसके बाद मंत्र पढ़िए 108 दफ़ा ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद आप इसे शिवलिंग से स्पर्श करवाकर, मंदिर में जाकर शिवलिंग से स्पर्श करवाते तो अच्छी बात है, यदि मंदिर घर के आसपास है तो। यदि नहीं है तो फिर आप अपने घर में शिव जी से स्पर्श करवाकर या शिवलिंग है तो स्पर्श करवाकर धारण कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा 108 दफ़ा, उसके बाद धारण कीजिए, अच्छा फल की प्राप्ति होगी इससे। इसे अभिमंत्रित कहते हैं, आप खुद कीजिए पंचोपचार विधि से जैसे आप घर में पूजा करते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।